आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चाकू से वशीकरण करने का ये आसान सा तरीका। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। अगर कोई आपको बर्बाद करना चाहता है या फिर दुश्मन का नाश करने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या उपाय किया जाए, तो मंत्र द्वारा प्रयोग करके आप किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जीवन में ना चाहते हुए भी कई दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप समय रहते दुश्मन से बचने के उपाय नहीं करते तो आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप दुश्मन को तबाह करने के उपाय करते हैं तो आपको काफी हद तक उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप भी अपने दुश्मन को तबाह करना चाहते हैं तो आप ये शक्तिशाली टोटका इस्तेमाल करें। इस विधि को आप 11 बजे किसी शमशान घाट में जाकर कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले एक चाकू लें। चाकू पर लाल पेन से अपने दुश्मन का नाम लिखें। फिर एक काले कपड़े में थोड़ी सी शमशान घाट की मिट्टी लें। उसके बाद चाकू को उस मिट्टी में रखकर कपड़े से ढक दें। फिर आप इस शक्तिशाली वशीकरण मंत्र का जाप करें। ओम नमो जलज्जा अमुकम जलाए ठह 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 रीम नमः। अमुकम की जगह पर आपको अपने दुश्मन का नाम लेना है। ये मंत्र आपको 101 बार करना होगा और मंत्र का जाप करने के बाद आप इस पोटली को किसी बहते पानी में 4 बार अपने दुश्मन का नाम लेकर बहा दें। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे गुरुजी से संपर्क करें। जी हाँ, हमारे गुरुजी का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो तुरंत कॉल करें केल शास्त्री बाबा जी के। उनका नंबर है +91 9660 7252 96।